हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, कैसे हो? आपका दोस्त, आपका होस्ट, यू आर वॉचिंग जगत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मेरे साथ एक मेरे कलीग्स हैं, मैं उनसे आपसे मिलाना चाहता हूं, उनसे पूछना चाहता हूं उनका कब वो कुवैत आए थे, किस कंसुलेंट के थ्रू वो कुवैत आए थे और कुवैत में उनको कितना टाइम हो गया, अभी कुवैत में जॉब कितनी ओपन है या जॉब कम हो गई है या ज़्यादा है। तो जानते हैं उनकी कहानी, कुवैत की जर्नी कैसी रही है उनके साथ। तो मिलते हैं हमारे राणा भाई साहब से। राणा जी, वेलकम टू जगत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। थैंक यू। राणा जी, आप कब कुवैत आए थे? मैं कुवैत आया था 16 जून 2016। तो आज से 5 साल पहले हमारे राणा जी कुवैत आए थे। आप इंडिया की किस सिटी से हो, किस स्टेट से हो? मैं इंडिया के उत्तराखंड से हूँ। अच्छा जी। मेरा जो बर्थ प्लेस है वो है टिहरी गढ़वाल। अच्छा जी। और अभी जहाँ मैं रहता हूँ, मैं एक मार्केट में रहता हूँ, ऋषिकेश। अच्छा जी। तो ये आपकी कहानी होगी। तो आपने, आप जब से कुवैत आए एक ही कंपनी में हैं या आपने कंपनी चेंज करी है? यस, अभी फ़िलहाल एक ही कंपनी में। अच्छा जी। आप 2016 में जब कुवैत आए थे, किस कॉन्सुलेंट के थ्रू आप कुवैत आए थे? मैं जब मुंबई में जॉब करता था, तो मैं मुंबई में आया था 2011 में, मुंबई आया था, तो मैंने वहाँ पे जॉब किया। फोर स्टार प्रॉपर्टी में मैंने वहाँ पे काम किया और वहाँ पे एक कंसल्टेंट है, मेरी उसे बोला जाता है एक विश्वास के साथ, जिसे बोला जाता है, उस पर सब लोग ट्रस्ट करते हैं, और वो कंसल्टेंट का नाम है वीरा इंटरनेशनल, जो कि हमारे यहाँ के कुछ गढ़वाली भाई भी वहाँ काम करते हैं। और उस टाइम मैं एक बोले तो रेफरेंस के थ्रू गया था, न कि वहाँ पे हमारा जो जहाँ पे मैं काम करता नियर बाई ओनली 5 मिनट का रास्ता था वहाँ से वीरा इंटरनेशनल, और मैं अपने होटल से जो ड्यूटी ऑन ड्यूटी से गया था ताकि। तो दोस्तों, हमारे राणा जी मुंबई से आए थे वीरा इंटरनेशनल, सभी जानते हैं इसको, लाखों लोग गल्फ़ में, अब्रॉड में वीरा इंटरनेशनल से आते हैं, 7 सीज से आते हैं, गुर्दे कॉन्सुलेंट से आते हैं, जिनका मैंने बहुत पहले प्रचार किया था, प्रचार नहीं करा, मैंने उनके बारे में बताया, ये टॉप एजेंट हैं, टॉप कॉन्सुलेंट हैं, इनके यहाँ इनका बकायदा ऑफिस होता है, इनका सोशल मीडिया पे जब ये पोस्ट करते हैं हज़ारों लाखों लोग वहाँ पर आवेदन करते हैं, उसमें से काफ़ी लोगों का 100% तो हो ही जाता है। उस समय वीरा इंटरनेशनल की क्या कॉस्ट थी, क्या सर्विस चार्ज लेता था वो? वीरा इंटरनेशनल उस टाइम ज़्यादा नहीं कॉस्ट था, लेकिन मेरा थोड़ा वहाँ पे रेफरेंस था, पहचान थी, वहाँ पे उस टाइम 40,000 लेते थे वो लोग अपनी जो उनकी फ़ीस होती है, और मैंने उस टाइम उनको 30,000 दिया था। अच्छा जी। और अपना गम का मेडिकल। अच्छा। तो दोस्तों, उन्होंने बताया उस समय उनकी जो फीस थी 40,000 थी, रेफरेंस पे गए थे 30,000 हुई थी, प्लस इन्होंने उस समय जो गम का मेडिकल था उसका कॉस्ट था, आपने PCC कराया था उस समय? यस, मैं PCC कराया था, और उस टाइम PCC का जो प्रोसेसिंग होता है वो ऑनलाइन 5-10 मिनट के लिए वो लोग ओपन करते हैं उस साइट को, और 5 मिनट के तुरंत जल्दी भाग। तो राणा जी, उस समय आपका जो वीज़ा टाइम लगा था इंटरव्यू के बाद, जो वीज़ा प्रोसेस होता है, प्लस लास्ट में हमारी टिकट आती, उसके बाद ही हम फ्लाई करते हैं, तो इसमें कितना टाइम लगा था टोटल प्रोसेस में? उसमें टाइम बोले तो उसमें आपको पता है जो कुवैत जैसे देश है, कुवैत में थोड़ा डिफरेंस है, गल्फ में है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि दुबई में लोग बोलते कि हम 15 दिन के अंदर वीज़ा आ जाता है, 20 दिन में, 1 महीने में चले जाते हैं, कुवैत में थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि दुबई में क्या है कि एक ही मेडिकल में लोग काम चला के चले जाते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे कैसा है कि यहाँ पे गम का मेडिकल होता है, तुम्हारा पूरा बॉडी का मेडिकल होता है, ताकि तुम रेगुलरली या अपना फिट होगी नहीं।
तो यहाँ पे तो प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, 2 से 3 महीने के अंदर आपका हो जाता है। 2 से 3 महीना लगता ही है। हाँ राणा जी, अगला क्वेश्चन है, जो हमने ऑफर लेटर उस समय साइन करा, एग्जांपल हमारी सैलरी वहाँ पर जो भी थी हमने एक्सेप्ट करा, वहाँ पर लिखा था 9 घंटे इंक्लूडिंग ब्रेक 1 घंटा, प्लस उसमें ट्रांसपोर्ट फ्री, अकोमोडेशन बस फ्री, रहना फ्री, प्लस मेडिकल फ्री, उसके साथ फूडिंग, यदि आप ड्यूटी हो तो ड्यूटी मील मिलेगा। तो आपको जो ऑफर किया गया था सैलरी, आपको उतना ही मिला या उसमें कटा आपका? नहीं, क्या होता है कि जैसा कि आप जब आपको ऑफर लेटर पे आप साइन करते हैं, आपको बहुत सारी कंपनी होती है कि जो बोलती है कि आपका काम देख के या आपका एक्सपीरियंस देख के या आपका नॉलेज देख के आपका वहाँ पे हम सैलरी इंक्रीज करेंगे, ये सब नहीं होता है। आपको वहाँ पे कितना सैलरी पे या कितना आपका बेसिक पे आप सिग्नेचर कर रहे, ऑफर लेटर साइन कर रहे, उतना ही आपको वहाँ पे मिलेगा। तुम आप कितना भी अच्छा काम दिखा दो, जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट है तब तक आपका रिन्यू, तब तक आपकी सैलरी इंक्रीज नहीं हो सकती है। ये बात है, कभी भी कोई साइन ना करे, किसी के बहकाव में ना आए। तो दोस्तों, जो ऑफर लेटर में जो साइन किया जाता है उसमें सिंपल लिखता है कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, आपको जो ऑफर किया उस समय सैलरी। और उसके बाद काफ़ी लोग जो बोलते हैं, जो भाई साहब बता रहे थे कि आपको 6 महीने बाद, 1 साल बाद सैलरी डबल की जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आपका सैलरी है जिसमें आपने साइन करा है, वही सैलरी आपको मिलेगी पर मंथ। जो आपकी 9 घंटे की ड्यूटी होती है, उसके बाद यदि आप ओवर टाइम करते हो तो उसका पैसा मिलता है या नहीं? जो 9 घंटे जो शिफ्ट होती है, जो आपने ऑफर लेटर में साइन किया होता है, उसमें 9 आवर ड्यूटी, 1 आवर ब्रेक। और अगर आप उसे एक्स्ट्रा करना चाहते हो या कंपनी तुमसे करवाती है तो कंपनी उसका पे करती है। तुम्हारा बेसिक कितना है उस हिसाब से आपको पर हावर आपको चार्ज किया जाता है, आपको दिया जाता है, आपकी सैलरी में इंक्रीज होकर आता है। और तो दोस्तों, आप देख रहे हैं जगत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम जगू दादा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, आपका कोई भी सवाल हो। और हमारे फीमेल जो मित्र होते हैं, यूट्यूबर जो व्यूअर होते हैं, क्या लड़कियों के लिए सेफ है ये कंट्री? ऑफकोर्स सेफ है, डिपेंड, यहाँ से बेटर सेफ है सऊदी लड़कियों के लिए। और अगर आपको थोड़ा फ्रीडम चाहिए तो आप दुबई चले जाइए। राणा जी, अगला सवाल, काफ़ी लोग बोलते हैं मैंने HM कर रखा है, काफ़ी लोग बोलते हैं मैं 5वीं पास हूँ 10वीं पास हूँ, कितना मिनिमम एजुकेशन चाहिए कुवैत आने के लिए? हाई स्कूल पास। यदि आप हाई स्कूल पास हो तो अभी आ सकते हो, यदि आपके पास एक्सपीरियंस हो तभी आप आ सकते हो, ऑलमोस्ट 15। तो हमारे राणा जी ने टी शर्ट पहन रखा, बहुत सारे व्यूअर का सवाल था क्या वहाँ सर्दी पड़ती है राणा जी? सर्दी नहीं पड़ती है। आजकल टेम्परेचर क्या चल रहा है? टेम्परेचर 35 चल रहा है। 15 नवंबर को जो टेम्परेचर है 35 है। गर्मियों में जून में, मई से जून जो टेम्परेचर होता है कितना होता है? 55। तो दोस्तों, गर्म कपड़े की ज़रूरत नहीं है, यदि आप यहाँ आ रहे हो तो गर्म कपड़े ना लाएँ, केवल टी शर्ट लाएँ बस। राणा जी, काफ़ी लोगों का मैसेज था, जो हमको सैलरी मिलती है वो हमको कैश मिलती है या कार्ड में मिलती है, विशेषकर कंपनियों में? जो सैलरी आती है वो एक बेस पे आती है। और उसमें क्या होता है कि जो नए एम्प्लॉयर होते हैं, जो उन एम्प्लॉयर को, एक एम्प्लॉयर होते हैं NOC वाले, NOC वालों के पास खुद का एक अकाउंट होता है, जो कि वो कुछ अपने अकाउंट नंबर देकर सबमिट कराती है कंपनी में, कंपनी उनके अकाउंट में पैसे, सैलरी ट्रांसफ़र कर देती है। और कुछ जो नए एम्प्लॉयर होते हैं उनकी सैलरी कंपनी अपने एम्प्लॉयर के थ्रू, जो उनके HR में डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनके थ्रू उस आउटलेट में भेजते हैं इन हैंड कैश, ताकि बंदे आउटलेट में भेज के इन कैश मिलती है, जब तक उनका अकाउंट का प्रोसेस चालू नहीं होता, ख़त्म नहीं हो पाता, जब तक अकाउंट नहीं उनका ओपन हो जाता तब तक उनकी सैलरी हैंड कैश दी जाती है। तो दोस्तों, हमने पूरी जानकारी ले ली है, हमको यदि जो भी जिसका भी ओपन अकाउंट नहीं है उसको कैश ही मिलेगी, न कि उसका कार्ड का वेट करा जाएगा।
राणा जी, जैसे मेरा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 साल में कितनी छुट्टी मिलती है और 2 साल में कितनी छुट्टी मिलती है? छुट्टियों को तो आपको पता ही है, जो हमारा जो ये होटल लाइन है, एक आपका जो आपने माइंड सेट कर रखा है कि हमें 1 साल में घर जाना, तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। ये ऐसी लाइन है कि आपको पता ही है कि कभी हमारा फेस्टिवल दिवाली आ जाती है, कभी रक्षाबंधन आ जाता है, या हमारा कोई भी फेस्टिवल होली आए, तो हमको जॉब पर जाना ही पड़ता है। उस टाइम हमारा एक किस्म से वीकेंड होता है। तो आपको पता ही, दिवाली होली पे, या आप बोल रहे कि 1 साल में 1 महीने की छुट्टी मिलेगी, पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि ये एक किताबों में लिखा होता है। या आपको पता ही है कि जब एम्प्लॉय कभी भी कोई भी आप किसी होटल या रेस्टोरेंट में काम करते हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ न कुछ बहाना मार के ही आपको छुट्टी, आपकी छुट्टी पास होती है। आप डायरेक्ट किसी का बोलो कि मुझे घर जाना है, तो कोई आपको इम्पॉसिबल नहीं भेज सकते, क्योंकि इंडस्ट्री ऐसी है कि आप कितना भी वो करोगे तो आपकी छुट्टियाँ मिलना बहुत, ये हाँ आपको पेड लीव मिल जाता है, आपकी जो 1 महीने साल में 1 महीने की जो सैलरी है वो मिलेगी, लेकिन आप जो सोच के कंपनी आपको बोलती है, वो डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल है। तो राणा जी ने सिंपल कहा, 1 साल में 1 महीने की छुट्टी मिलेगी पेड लीव, और 2 साल में आपको 2 महीने की छुट्टी पेड लीव, वो आपकी सैलरी नहीं कटेगी, टिकट मिलेगा 2 साल बाद। आपके ऑफर लेटर में ये सब बातें लिखी हैं, हमने केवल डिस्कस करा। वीडियो में बहुत सारी जानकारी आपको डीप में बताई गई है। आपका कोई भी सवाल हो, आप नीचे मैसेज लिखें। अगला पार्ट हम राणा जी के साथ लाएंगे। यूट्यूब चैनल जगत ऑफिशियल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। घंटा का बटन जरूर दबाएं।